पाठ 13 किसान का घड़ा। बहुत समय पहले किसी गांव में एक किसान रहता था। वह रोज भोर में उठकर दूर झरनों से स्वच्छ जल लेने जाया करता था। वह अपने साथ दो बड़े घड़े ले जाता था। वह उन घड़ों को बहंगी के सहारे अपने कंधे पर दोनों ओर लटका लेता था। उनमें से एक घड़ा कहीं से फूटा हुआ था। इस वजह से रोज घर पहुँचते पहुँचते किसान के पास फूटे घड़े में आधा पानी ही बचता था। दूसरे घड़े को इस बात का घमंड था कि वह पूरा का पूरा पानी घर पहुंचाता है। फूटा घड़ा इस बात से शर्मिंदा रहता था कि वह आधा पानी ही घर तक पहुंचा पाता है और किसान की मेहनत बेकार हो जाती। फूटा घड़ा यह सब सोचकर बहुत परेशान रहने लगा। एक दिन उससे रहा नहीं गया और उसने किसान से कहा, मैं खुद पर शर्मिंदा हूँ और आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। यह सुनकर किसान परेशान हो उठा। उसने पूछा, तुम किस बात पर शर्मिंदा हो? शायद आप नहीं जानते कि मैं एक जगह से फूटा हुआ हूँ और आधा पानी ही घर पहुँचा पाता हूँ। इस वजह से आपकी मेहनत बर्बाद हो जाती है। यह कहते कहते फूटे घड़े की आंखों में आंसू आ गए। घड़े की बात सुनकर किसान ने कहा, मैं चाहता हूँ कि आज लौटते वक्त तुम रास्ते में पड़ने वाले आकर्षक फूलों को देखो। घड़े ने वैसा ही किया। वह रास्ते भर फूलों को देखता आया। ऐसा करने से उसकी उदासी तो दूर हुई, पर घर पहुँचते पहुँचते फिर उसके अंदर से आधा पानी गिर चुका था। यह देखकर वह मायूस हो गया। घड़े का मायूस चेहरा देखकर किसान बोला, पूरे रास्ते में जितने फूल थे वे सब तुम्हारी तरफ ही थे। सही घड़े की तरफ एक भी फूल नहीं था। मैं हमेशा से तुम्हारे अंदर की कमी को जानता था। मैंने उसका लाभ मैंने तुम्हारी तरफ के रास्ते पर फूलों के बीज बो दिए थे। तुम रोज थोड़ा थोड़ा करके उन्हें सींचते रहे और पूरे रास्ते को इतना खूबसूरत बना दिया। आज तुम्हारी वजह से ही मैं इन फूलों को भगवान को अर्पित कर पाता हूँ और अपना घर सुंदर बना पाता हूँ। तुम ही सोचो, अगर तुम जैसे हो वैसे नहीं होते तो भला क्या मैं ये सब कुछ कर पाता। यह सुनकर फूटा घड़ा खुश हो गया।